नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में हमारा एक 8वां चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं ये चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो मनुष्य में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो जो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का अलग अलग होना जिनमें पाया जाता है जिन प्राणियों में, तो उनमें जो है प्रायः जो है लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसके बारे में आज आपसे मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। जो अधिकांश प्राणी होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, जैसे कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य के नर में जो है मुख्य जनन अंग वृषण पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है वहाँ से हमारा कि मानव नर व मादा में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन्स के नाम बताइए करके। तो मानव नर में जो वृषण से जो स्रावित हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो जब बालक की किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसके उसके शरीर में बहुत सारे आकार के चेंजेस आते रहते हैं, जिसे किशोरावस्था कहा जाता है। उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में जो बहुत परिवर्तन आते हैं, ठीक है, उसके कंधे चौड़े हो जाते हैं, दाढ़ी मूछ बाल आने लगते हैं, तो द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होते हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं किशोरावस्था के दौरान। जैसे कि कक्षा 8 में भी आपने जो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जो हमारा 8th चैप्टर है किशोरावस्था की ओर कक्षा 8 में, उसमें भी पढ़ा होगा कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण जब उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है, तो उसके पश्चात जो है मादा और नर में दोनों में ही जो है लैंगिक परिपक्वता आती है, यानी कि वो उनके जो जनन अंग होते हैं वो विकसित होने लगते हैं। तो मानव नर के वृषण में जो है जो स्रावित हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन वृषण में से स्रावित होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप नोट करेंगे। और मानव मादा में जो है अंडाशय से जो स्रावित हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, जो अंडाशय से निकलता है। इन दोनों के ही परिणाम स्वरूप जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं और जनन परिपक्वता आती है मानवों में, ठीक है। तो इसके पश्चात हम प्रक्रिया देखते हैं, क्योंकि इन दोनों के ही प्रक्रिया के पश्चात, क्योंकि ये जो है एकलिंगी होते हैं दो मनुष्य, ठीक है, तो दोनों के ही निषेचन के पश्चात जो है नए जो है संतति उत्पन्न होती है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि निषेचन किसे कहा जाता है करके, फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है, ठीक है। दो अगुणित युग्मकों जैसे शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण निषेचन कहलाता है। दो अगुणित मतलब जैसे कि आपको पता है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब अगुणित कह रहा है तो उनकी संख्या आधी रह जाएगी, यानी कि 22 प्लस एक्स वाई ये तो रह जाएगी पुरुषों में, क्योंकि पुरुष में जो 23वां गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है जिसे एक्स वाई से शो करते हैं, और जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। वैसा ही मादा में 22 प्लस एक्स एक्स, ठीक है, तो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होंगे समजात होंगे, और जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र होता है महिलाओं में स्त्रियों में वो एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो हैप्लॉयड कहने का अर्थ यही है कि अगुणित, यानी कि अपनी जो गुणसूत्र होते हैं उनकी आधी रह जाती है युग्मक निर्माण के समय। युग्मक निर्माण का मतलब ये है कि गुणसूत्रों का आधा हो जाना, ठीक है। तो 22 प्लस एक्स वाई पुरुष के हो जाएंगे और 22 प्लस एक्स एक्स ये मादा के हो जाएंगे। जैसे शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन, तो मैंने आपको बताया था कि शुक्राणु से जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है तथा अंडाशय से जो है वृषण से जो है टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो जो नर के शुक्राणु हैं तथा मादा का जो अंडाणु है इसके जब संलयन होता है, ठीक है, तो संलयन के पश्चात जो है द्विगुणित युग्मनज बनता है। द्विगुणित मतलब इसका दुगुना हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसमें इंटरचेंजिंग आती है बस कि कौन सा लिंग निर्धारित कौन सा गुणसूत्र होगा करके, मैं फिर बताऊँगा आपको, ठीक है। तो युग्मनज का निर्माण यानी कि जायगोट का निर्माण जो है वो निषेचन कहलाता है। युग्मनज से वृद्धि व विभाजन द्वारा भ्रूण का विकास होता है। जब युग्मनज और वृद्धि करने लगता है तब भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है फिर आगे शिशु नवजात जो है शिशु वो जन्म लेता है। जितने भी जो हैं जो एक लिंगी
जंतु होते हैं, चाहे वो आप कोई गाय बैल या भैंस या कोई भी जानवर जो एकलिंगी होते हैं उनकी अगर हम बात करें, उनकी जातियों की, तो उनमें सभी में जो है इसी प्रकार की जो है प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, यानी कि दो अगुणित युग्मकों, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया दो अगुणित युग्मक ये हैं, जैसे शुक्राणु और अंडाणु के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण निषेचन कहलाता है। ठीक, तो ये हमारी निषेचन प्रक्रिया हुई। अब जो युग्मक जनन, मतलब युग्मक जनन मैंने बता दिया आपको, इसमें युग्मक जनन क्या होता करके, ठीक है, निषेचन बता दिया मैंने आपको। ठीक, अब जो निषेचन होता है वो दो प्रकार से होता है, ठीक है, निषेचन को भी समझा देता हूँ आपको। जो निषेचन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन जितने भी जो जंतु देने वाले, यानी शिशु को जन्म देने वाले जितने भी जो शिशुओं को जन्म देने वाले जितने भी जो प्राणी हैं उनके उनमें जो है आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो अधिकांश जो प्राणी होते हैं वो अपने जो उनके नर होते हैं वो शुक्राणुओं को बाह्य जनन अंग, जो उनका बाह्य जनन अंग होता है शिश्न की अगर हम बात करें, की सहायता से मादा के शरीर में जो है पहुंचाते हैं, मादा के शरीर के अंदर अपने जो है शुक्राणु जो है नर पहुंचाता है। ठीक है, और शुक्राणु का स्थानांतरण मैथुन के समय होता है, जिसमें मैथुन करते हैं स्त्री और पुरुष, तो उसमें जो है शुक्राणुओं का स्थानांतरण होता है। तो शुक्राणु जो हैं वह मादा के मूत्र मार्ग से होते हुए उसकी अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी से होते हुए कहाँ, उसके अंडवाहिनी से होते हुए उसके अंडाशय में जाते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे जो हैं अंड उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो उनमें से वो किसी एक अंड को निषेचित करते हैं, और निषेचित करने के पश्चात जो है जो उनकी फैलोपियन नलिका होती है अंडाशय से जुड़ी होती है, उसके अंदर वहाँ पर जो है युग्मनज का निर्माण होता है, और धीरे धीरे वो खिसक करके जो है जो जितने भी जो स्तनी हैं जिनको मैमल्स हम कहते हैं, जिनमें स्तन पाए जाते हैं, उनमें यह गर्भाशय में जो है स्थापित होता है, गर्भाशय में आ जाता है, और गर्भाशय में जो है जब युग्मनज वृद्धि करता है तो वो युग्मनज जो है धीरे धीरे भ्रूण में विकसित हो जाता है, और भ्रूण के लगातार वृद्धि और विकास के फलस्वरूप जो है नए शिशु का वो जन्म होता है। ठीक है, और तो जो स्तनी होते हैं इन प्राणियों को, जो इन मैमल्स जिनको हम कहते हैं, उनको जरायुज विवियोपोरस जो है एनिमल्स कहा जाता है, यानी कि शिशु देने वाले, शिशुओं को उत्पन्न करने वाले, शिशु देने वाले प्राणी जिनको कहा जाता है, जरायुज भी कहते हैं इनको। और जो आंतरिक निषेचन के द्वारा जो है अंडे देने वाले जो प्राणी होते हैं उन्हें अंडज कहा जाता है, यानी कि उन्हें ओविपरस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रक्रियाएं होती हैं निषेचन की, एक आंतरिक निषेचन, एक बाह्य निषेचन। ठीक है, बाह्य निषेचन में जैसे कि मछलियाँ, मेढक होती हैं, ये इनके जो नर होते हैं वो पानी में ही अपने शुक्राणु छोड़ देते हैं, और मादा भी जो है अपने अंडाणु जल में ही छोड़ देती है। इस प्रकार जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो जल में ही होती है, न तो नर मादा के शरीर के अंदर बिल्कुल नहीं होती है। तो इस प्रकार और उस पर जल में ही जो है दोनों मिल करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो इनका भेक शिशु होता है टैडपोल टाइप के या लार्वा टाइप का जो बनता है, उसके पश्चात धीरे धीरे वृद्धि करके इनके छोड़ अंडे से वृद्धि करके धीरे धीरे ये शिशुओं में विकसित होते हैं, शिशु फिर बड़े वयस्कों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको जो हम बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन मैंने समझाया आपको, आंतरिक निषेचन में जो है एक अंडज जो अंडे देने वाले प्राणी आते हैं, और दूसरे जरायु आते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, जिन्हें जो है स्तनी प्राणी भी कहा जाता है करके, मनुष्य भी जो है एक स्तनी प्राणी है, मैमल्स है। और बाह्य निषेचन मैंने आपको समझाया, जैसे कि मेंढक, मछलियाँ, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बाह्य निषेचन करते हैं, इनके मादा के शरीर में जो है निषेचन नहीं होता है, बल्कि वो प्रक्रिया जल में ही हो जाती है। इस प्रकार जो है वहाँ से जल में ही अंडे से विकसित होकर वयस्क तक उनकी अवधि रहती है, और वयस्क होकर फिर वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो इस छोटी सी प्रक्रिया को समझाने के लिए मैंने जो है आपको काफ़ी लंबा यहाँ पे वो किया है। ठीक है, तो इसको आपने लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ आपने सिर्फ ये बताना है, निषेचन को परिभाषित करिए जो मैंने आपको आंसर बताया। यह अन्य चीज़ समझाने का मेरा या आपको ये तात्पर्य ये था, जिससे कि आप समझ सकें कि
अगुणित क्या चीज़ होती है, युग्मक जनन क्या होता है करके, निषेचन क्या होता है, किस प्रकार से होता है करके, वैसे ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पौधों में मैंने आपको परागण की प्रक्रिया बताई थी, पौधों में जो है निषेचन की, पौधों के फूलों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो समझाऊंगा कि किस प्रकार से उनमें जो है बीज और फल वो लगते हैं, ठीक है। वो भी निषेचन प्रक्रिया के पश्चात ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लैंगिक जो जनन होता है प्राणियों में वो भी एक लैंगिक जनन ही है, जो मैंने आपको पुष्पों में बताया था, पौधों के पुष्पों में, ठीक है। ये भी प्राणियों में बताया मैंने आज आपको, ठीक, ये पौधों में भी होता है सेम एज, ठीक है, क्योंकि जो एकलिंगी होते हैं सभी में जो है ये लैंगिक जनन पाया जाएगा, ठीक। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, ठीक है।